रामचरितमानस की लोकप्रिय चौपाइयों का अर्थ और उससे संबंधित कथा जानने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल हमारे संस्कार। जय श्री राम। रामचरितमानस प्रत्येक भारतीय के जीवन का अभिन्न है। रामचरितमानस की चौपाइयां प्रत्येक भारतीय नित्य कहते और सुनते हैं। इस चैनल के माध्यम से हम आपको रामचरितमानस की चौपाइयों के बारे में बताएंगे। यह चौपाई किसने कही, किससे कही, क्यों कही, इसकी कथा भी विस्तार से समझाएंगे। यदि हमसे कुछ त्रुटि होती हो तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य अवगत कराएं। तो आज की चौपाई है कृतविधि सजी नारी जगमाही पराधीन सपने हूँ सुख नाही। यह चौपाई बालकांड में शिव पार्वती विवाह के समय माता पार्वती को विदा करते हुए उनकी मां मैना ने उनसे कही। पिछले एपिसोड में हमने भगवान शिव के द्वारा कामदेव के भस्म होने की कथा सुनी थी। इस एपिसोड में हम शिव पार्वती विवाह का विस्तार से वर्णन सुने। जब सभी देवताओं ने भगवान शिव को माता पार्वती से विवाह करने के लिए मना लिया तो ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषियों को राजा हिमाचल के घर विवाह की तैयारी करने भेजा। राजा हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों से शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी निकालकर लग्न पत्रिका सप्त ऋषियों को सौंप दी। जब सप्त ऋषियों ने यह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को आकर दी तो ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को लग्न पत्रिका पढ़कर सुनाई। शुभ मुहूर्त जानकर सभी देवता बड़े प्रसन्न हुए और आकाश से फूलों की वर्षा की। दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याण प्रद मंगल शकुन होने लगे। अप्सराएं नृत्य करने लगी। अब दूल्हे को तैयार किया जा रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान शिव के तैयार होने और श्रृंगार का कैसे वर्णन करते हैं ये आप जरा ध्यान से सुनिए। शिवजी के गण शिवजी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिवजी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। शिवजी ने सांपों के कुंडल और कंकन पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाखंबर लपेट लिया। इस प्रकार उनका अशुभ वेश होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। शिवजी के एक हाथ में डमरू और दूसरे हाथ में त्रिशूल से शोभित है। वे अपने वाहन नंदी पर चढ़कर चल दिए हैं। वाजे बज रहे हैं। शिवजी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और एक दूसरे से कह रही हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। इस प्रकार समस्त देवता ब्रह्मा विष्णु अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चल दिए। अब बारात का जो सुंदर दृश्य है उसको सुनिए। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम अर्थात परम सुंदर है, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। तब भगवान विष्णु ने सभी को बुलाकर हंसकर कहा कि हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? इसीलिए सब लोग अपने अपने दल सहित अलग अलग होकर चले।
महादेव जी ये सुनकर मन ही मन मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा कि चलो अब दूल्हे के अनुरूप ही बराती बुलाते हैं। उन्होंने अपने गण भृंगी को भेजकर अपने समस्त गणों को इस बारात में बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनी सब, शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए। प्रभु पद जलज और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाए। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी बड़े प्रसन्न हुए। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख है। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। ये भूत प्रेत खूब नाचते गाते जा रहे हैं। अब जैसा दूल्हा है वैसी ही बारात बन गई है। अब बारात नगर के निकट आ गए तो आगवानी करने के लिए लोग अपने अपने वाहनों पर सजकर पहुंचे। देवताओं के समाज को देखकर और भगवान विष्णु को पाकर लोग बड़े प्रसन्न हुए। किंतु जैसे ही उन्होंने शिवजी के दल को देखा वे डरकर नगर की ओर भागने लगे। नगर के लोगों ने पूछा कि बारात कैसी है, तो लोगों ने कहा कि ये बारात है या यमराज की सेना है। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं, वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगनिया और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जिंदा बचेगा सचमुच उसने बड़े पुण्य किए हैं। इधर कुछ समझदार लोग थे वो बारात को ले लाए और उन्होंने उस बारात को जनवासियों में ठहरा दिया, जहां उसकी खूब आवभगत की गई। माता पार्वती की माता मैना ने दूल्हे की आरती के लिए सुंदर थाल सजाया और सब स्त्रियां दूल्हे का परछन करने चली, तो भगवान शिव का विकराल रूप देखकर सब स्त्रियां भयभीत होकर भागने लगी। यह वृतांत जब माता पार्वती ने सुना तो मन ही मन उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि अपना भयानक रूप त्याग कर सामान्य रूप में आ जाए। भगवान शिव ने माता पार्वती की प्रार्थना सुनकर अपना कोहिश त्याग किया और सामान्य रूप में आ गए। इससे हिमाचल और मैना परम सुखी हुए। सारा नगर आनंदित हो गया। सब तरफ बाजे बजने लगे, ढोल नगाड़े बजने लगे और विवाह प्रारंभ हो गया। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को बुलवाया। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई, महामुनियों ने उन सब रीतियों से विवाह करवाया। जब महेश्वर ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया तब श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारा ब्रह्मांड आनंद से भर गया। हिम्बान और मैना ने बहुत प्रकार के उपहार देकर भगवान शिव से कहा कि हे नाथ, ये उमा हमें प्राणों से भी प्यारी है, इसके सब अपराध आप क्षमा करते रहिएगा और सदा इस पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। फिर मैना ने माता पार्वती को यह सुंदर सीख दी, हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरण की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है। पति ही देवता है और कोई देवता नहीं। इस प्रकार बातें कहते कहते उन्होंने कन्या को छाती से चिपका दिया। विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया है? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता।
यूं कहती हुई माता प्रेम से अत्यंत विकल हो गई। इस प्रकार हिमवान और मैना शिव पार्वती को विदा करती है। जब शिव और पार्वती कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो फिर सभी देवता अपने अपने वाहनों पर अपने अपने लोक को चले गए। शिव पार्वती अपने गणों सहित कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब छह मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होकर युद्ध में तारकासुर का वध किया। शिव पार्वती विवाह की यह कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य अवगत कराएं। अगली चौपाई पर हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।